everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another food video where I am going to try barbecue in a box. So some previous knowledge, last year winter ke time I had tried this box, and around that time this box costed up to 899 including all taxes. But now, like अभी के time, it costed me 1045 rupees including taxes. मतलब देख रहे हो कितना पैसा बढ़ गया है अभी. So अभी like ये box मैंने try किया है, लेकिन फिर भी मैं review दूंगी इस box का, और इसके साथ मैं आपको इस box का pros and cons सब एक साथ share करूंगी video जैसे जैसे आगे बढ़ेगा. So let me first unbox it. So okay. जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ऊपर वाले लेयर में दे हैव गिवेन अस 3 डेजर्ट्स. ये कटलरी है और ये कुछ डिप्स है. सो अभी हम नीचे के लेयर पे जाते हैं. ये वाला हम निकालेंगे. सो ये है शायद हमारा मेन कोर्स और स्टार्टर वगैरह. तो इसको भी ओपन कर लेते हैं. देख सकते हैं जैसे कि पूरा सब कुछ प्रॉपरली लेबल्ड है, लाइक रेड कलर फॉर नॉन वेज और ग्रीन कलर फॉर वेज. सो ये सैलड होगा, ये आई थिंक कोई करी होगा, ये भी आई थिंक कोई करी होगा, और ये आई डोंट नो, ये हाँ ये भी करी ही होगा कुछ. लेकिन ये देखिए ये ग्रीन कलर से है. ये वाला देखिए इधर, ये रेड कलर का है ये बॉक्स, और ये वाला जो बॉक्स था ये ग्रीन कलर का बॉक्स है. सो अब ये स्टार्टर वगैरह, और ये देखिए ये वेज का स्टार्टर होगा इसलिए ग्रीन सेलो टेप है, और ये भी नॉन वेज का स्टार्टर होगा. सो इसी के साथ बॉक्स पूरा खाली हो चुका है अभी, और अभी हम इसको नीचे रखेंगे. सो गाइज अभी मैंने इसको प्रॉपरली पूरा अरेंज कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस काफ़ी अच्छे से पैक्ड है, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड गार्लिक प्रॉन्स है, और इधर इस साइड तंदूरी फिश टिक्का है, और इस वाले बॉक्स में वी हैव चिकन विंग्स एंड दिस इज सिजवान चिकन, नो नो दिस इज चिकन टिक्का, चिकन विंग्स एंड चिकन टिक्का. और ये वाला जो वेज बॉक्स है उसके अंदर वी हैव वेज समी कबाब एंड दिस इज वेज फिंगर्स. सो और ये है हमारा गार्लिक मेयो डिप, और ये समथिंग ग्रीन चटनी टाइप्स का है, और ये कुछ सैलड है लिटिल बिट ऑफ. तो अभी मैं अपना प्लेटिंग करती हूँ, फिर हम आते हैं. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आई हैव डन द प्लेटिंग, और अभी मैं बताती हूँ इसमें कॉन्स क्या है. क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वहीं बारबेक्यू नेशन आउटलेट में जाएं तो हमको अनलिमिटेड स्टार्टर्स वगैरह मिलता है, और ऊपर से काजन स्पाइस पटेटो एंड क्रिस्पी कॉर्न वो सब भी इंक्लूडेड होता है, बट इधर वी डोंट हैव दैट, और मुझे वो तो बहुत पसंद है. सो अभी मैंने एक एक पीस निकाल दिया है, तो लेट्स टेस्ट इट. फर्स्ट स्टार्टिंग विथ वेज फिंगर्स, थोड़ा डिप करेंगे. काफ़ी गर्म है ये, काफ़ी अच्छा है, लाइक ये काफ़ी क्रिस्पी है और क्रंची भी है, और काफ़ी अच्छा है टेस्ट वाइज भी. आई डोंट नो अंदर की फीलिंग्स इन्होंने क्या क्या डाली है, बट आई कैन सी गाजर, धनिया पत्ता एंड ऑल एंड सम मटर. सो इट्स काफ़ी गुड. कमिंग ओवर टू द वेज समी कबाब, सो हम इसको टेस्ट करते हैं. दिस काफ़ी अमी, ये है तो काफ़ी पतला सा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर से मतलब मसाला वगैरह जो भी ऐड किया है तो वो टेस्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अच्छा अच्छा है ये. आगे बढ़ते हैं हमारे चिकन टिक्का की तरफ. जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी जूसी लग रहा है और काफ़ी टेम्पटिंग भी है. सो इसको हम ग्रीन चटनी में डिप करेंगे.
काफ़ी अच्छा है ये, मसाले भी बहुत सारे हैं, एंड दैट्स गुड। सो गाइस, मेरे साथ थोड़ा लॉल हो गया। मैंने तंदूरी फिश टिक्का खाया और उसको चिकन टिक्का बोल दिया, जबकि वो तंदूरी फिश टिक्का था और ये चिकन टिक्का है, चिकन हरा भरा टिक्का समथिंग। सो डिप इट विद दिस मेयो सॉस एंड देन ये भी अच्छा है काफ़ी, और कुछ टेस्टी, और लाइक हरा भरा टिक्का है तो हरा भरा टेस्ट भी आ रहा है, गुड। सो कमिंग ओवर टू माय फेवरेट मस्टर्ड गार्लिक प्रॉन्स। सो देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्रॉन है। प्रॉन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है एंड इट्स काफ़ी, मतलब क्रिस्पी नहीं बोलूँगी, मतलब सम क्रंच टाइप्स ऑफ आ रहा है मुँह में, एंड दिस इज फ्लेवरफुल, मुझे ये बहुत पसंद है एंड इट्स ऑल्सो यमी। सो स्टार्टर में से लास्ट आइटम हमारा चिकन विंग्स। सो चलो ये मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा, आई डोंट नो, मुझे अंदर का चिकन इतना अच्छा नहीं लग रहा, इट्स क्रंची बट गर्म भी है बट ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आई डोंट नो व्हाई। सो स्टार्टर का तो हो गया, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन कोर्स। सो मुझे प्लेटिंग करने दीजिए गाइस। सो दिस इज आवर मेन कोर्स स्प्रेड। सो फर्स्ट वी हैव दिस चिकन दम बिरयानी एंड देन हियर वी हैव सैलेड एंड दिस इज दाल मक्खनी एंड दिस इज मटन रोगन जूस एंड दिस इज चिकन मुर्ग मक्खनी and we also have some naans and lachha paratha. So एक बात तो है, मैंने लास्ट बारी जब मंगाया था तब क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था, लाइक बिरयानी और बाकी सारे करीज का क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था, और इस बार क्वांटिटी रिड्यूस हुआ है, ये एक और कॉन है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम लाइफ बफे में जाके खाते तो ये सारे चीज़ हमको अनलिमिटेड मिलते और काफ़ी सारे आइटम्स भी होते टेस्ट करने को, बट यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है और क्वांटिटी भी काफ़ी रिड्यूस्ड हुआ है। सो अभी मैं इसको भी प्लेट कर लेती हूँ अच्छे से, फिर आई विल टेल द टेस्ट। सो गाइज, मैंने अपना प्लेट कर दिया है और लाइक हियर वी हैव चिकन दम बिरयानी, मुर्ग मक्खनी, ये दाल मक्खनी, आई हैव टेकन मालाबार पराठा और नॉर्मल वाला पराठा मैंने नहीं लिया, और ये मटन रोगन जूस, और ये सैलन है जो कि मुझे एक्चुअली टेस्ट करने का मन नहीं है तो इसीलिए मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं खाना चाहती, एंड सो लेट्स टेस्ट इट नाउ। सो पहले स्टार्ट करते हैं बिरयानी से। बिरयानी थोड़ा सा ब्लैंड टेस्ट कर रहा है, मतलब मसाले की थोड़ी कमी लग रही है मुझे। चिकन काफ़ी फ्लेवरफुल है इस बिरयानी का, इट्स क्वाइट फ्लेवरफुल, मुझे ही अच्छा लगा। और बिरयानी बहुत लाइक ब्लैंड सा टेस्ट जा रहा है, मतलब बिरयानी जैसा फील नहीं आ रहा जो हमको एक्चुअली आता है। सो अभी लेट मी टेस्ट दिस मलाबार पराठा विथ मटन रोगन जूस। इस मटन रोगन जूस काफ़ी फ्लेवरफुल है और काफ़ी अच्छा, मतलब स्पाइस लेवल है इसका, ऑल्दो तीखा नहीं है ज़्यादा, बट इट्स लाइक वेरी टेस्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा मटन रोगन जूस। एंड सेकेंडली, ये मलाबारी जो पराठा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मतलब काफ़ी च्यूई टाइप्स हो रहा है, तो मुझे ये मलाबारी पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड कमिंग ओवर टू चिकन, दिस करी इज़ क्वाइट गुड। मुर्ग मखनी बहुत ही लाइट है, लाइक देख के लग रहा है कि काफ़ी हेवी होगा, बट दिस इज़ काफ़ी लाइट इन टेस्ट, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। चिकन के पीसेस हैं वो भी काफ़ी लाइक फ्रेश है और अच्छा है, इसके अंदर पूरा मसाला एकदम गया है अच्छे से और वो टेस्ट आ भी रहा है अच्छे से। सो अभी लेट मी थोड़ा सा टेस्ट दिस दाल मखनी। दाल मखनी ठीक है, लाइक नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है, लेकिन या मुझे थोड़ा सा, मतलब मक्खनी टाइप दाल का वो जो तड़का वगैरह आता है, जो फ्लेवर आता है एकदम स्ट्रॉन्ग सा, वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा। सो दाल मखनी ओके ओके टाइप से। सो मेन कोर्स के हिसाब से मुझे बिरयानी थोड़ा सा ब्लांट लगा, बाकी मटन रोगन जूस और मुर्ग मक्खनी दोनों क्वाइट काफ़ी फ्लेवरफुल थे, और दाल मखनी इज़ ओके ओके, एंड पराठा तो मुझे ऑब्वियसली बहुत चीवी लगा। सो ये था हमारा मेन कोर्स का प्लेट। सो अभी हम चलते हैं डेजर्ट की ओर।
डेजर्ट में वी हैव दिस मूंग दाल का हलवा, देन सम क्यूट क्यूट अंगूरी गुलाब जामुन एंड दिस चॉकलेट ब्राउनी. सो लेट मी टेस्ट विथ अंगूरी गुलाब जामुन. ये मेरा अटेंशन काफ़ी ड्रॉ कर रहा है, कितने पिद्दू पिद्दू से हैं. एकदम मुंह में जाके मेल्ट हो रहा है और मतलब स्वीट लेवल इज नॉर्मल. सो अभी लेट मी टेस्ट दिस ब्राउनी. ब्राउनी ठीक ठाक था, ब्राउनी इतना मुझे अच्छा लगा नहीं. लास्ट आइटम दैट वी हैव इज दिस मूंग दाल का हलवा. जस्ट टेस्ट इट. दिस हलवा इज क्वाइट गुड. ये मैंने पहले वाले बॉक्सेस में नहीं ट्राई किया था, ये मेरा पहला वाला ट्राई था और ये काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी टेस्टी. सो इसी के साथ हमारा बारबेक्यू बॉक्स, हमने पूरा सब कुछ टेस्ट किया, रिव्यूज़ वगैरह भी दिया. सो मैं ओवरऑल ही अपना रिव्यू देना चाहूँगी. जो स्टार्टर के आइटम थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब सारे मस्त थे. पर 6 स्टार्टर आइटम्स और उनमें से मुझे 5 अच्छे लगे एक्सेप्ट फॉर द चिकन विंग्स. एंड अभी कमिंग ओवर टू द मेन कोर्स पार्ट, मेन कोर्स में भी सब कुछ मतलब ठीक ठाक था. मटन एंड चिकन वाला करी काफ़ी अच्छा था, बाकी सब ओके ओके टाइप्स. और डेजर्ट में मुझे अंगूरी गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ब्राउनी ठीक ठाक ओके था. सो ओवरऑली मैं अगर बताने जाऊँ तो मेरे हिसाब से अगर आप बारबेक्यू आउटलेट पे जाएंगे डायरेक्ट तो वहाँ पे आपके लाइक ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं और क्वांटिटी भी आप अनलिमिटेडली ले सकते हैं. सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. और सेकंड थिंग इज, अगर आपको कभी ऐसे घर पे मन हुआ खाने को बफे टाइप्स और मतलब मन हुआ तो आप बारबेक्यू ना बॉक्स मंगा सकते हैं इजीली और घर पे बफे एंजॉय कर सकते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ. और जितना इन्होंने आइटम दिया है आई वुड थिंक कि ये 3-4 जनों के लिए सफिशियंट हो सकता है लाइक. बट मैंने पिछले विंटर्स में मैंने जो बॉक्स मंगाया था उसमें जितने क्वांटिटी का था तो दैट वाज एक्चुअली फॉर 5-6 पीपल्स, अराउंड 5-6 पीपल आराम से खा सकते थे उसमें. इस बार इन्होंने क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस किया है. तो फाइनल रेटिंग ऑफ दिस बारबेक्यू इन अ बॉक्स कंसिडरिंग इट्स क्वालिटी क्वांटिटी टेस्ट पैकेजिंग एंड प्राइस वुड बी 3.5 out of 5. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, ऑर्डर कर सकते हैं आप और इन्जॉय कर सकते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ. सो इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे आते हैं. ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और डू कमेंट कि आपको कौन सा आइटम्स ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू से. और ऑल कमेंट्स आर वेलकम्ड. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन गाइज. सो इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.